के साथ भारती सिंह। दिल्ली वैसे तो कई चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन चाट के मामले में वाह लाजवाब। दिल्ली में आए हो और आपने अगर चाट ना खाई हो, चाट वाइज वो चाहे आलू की हो, चाहे फ्रूट चाट हो, चाहे तो पनीर चाट हो, कोई भी चाट हो, लेकिन चाट के मामले में दिल्ली लाजवाब है और ये आप भी जानते होंगे। लेकिन आज हम पहुंच गए हैं आज़ादपुर, जो कि वैसे तो मंडी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर सब्जी मंडी, फल की मंडी है, लेकिन आज हम आपको एक नई चीज़ बताने आए हैं। यहाँ पर जो फ्रूट चाट लगते हैं, कई सारी दुकानें हैं, कई सारे स्टॉल हैं जो फल बेचते हैं, लेकिन इसी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्रूट चाट जो कि फलों को काट कर एक साथ मिक्स करके हमें खिलाते हैं। वैसे तो ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये आप सभी जानते ही होंगे। और आपको बता दूँ कि ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें मैं आपको शुद्ध शाकाहारी और जो सेहत के लिए अच्छी चीज़ है वो आपको बता रही हूँ। आप यहाँ पे आके इसे सर्व कर सकते हैं, चख सकते हैं कि आखिर कैसा है फ्रूट चाट। और चलिए आज हम भी आपके साथ पता करते हैं कि आखिर ये फ्रूट चाट कितना फ़ायदेमंद है हमारे सेहत के लिए। और इसमें क्या क्या है? इसमें केला है, सेब है, पपीता है, तरबूज है, खीरा है। लोग खाते हैं यहाँ पे आके? हम खाते नहीं, तो हम बेचते कैसे? खाते हैं। और ये जो आज़ादपुर है, ये वैसे तो फलों और सब्जी के लिए फेमस है, लेकिन आप यहाँ पे जैसे देखो वहाँ पे भी उन्होंने भी दुकान लगा रखी है, उन्होंने भी दुकान लगा रखी है, तो आपको यहाँ पे बेचने में कोई परेशानी तो नहीं होती? परेशानी तो बहुत होती है, खड़े होने की जगह नहीं मिलती, इतना काफ़ी परेशानी के मत पूछिए। और लोग आके खुश होते हैं खा के? नहीं, खा के तो खाते हैं तो खुश होते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। हमें भी एक प्लेट दे दीजिए, हम भी खा के देखते हैं कि आखिर ये कैसा है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास चाट आ चुका है। वैसे तो ये बहुत सारा है, इतना तो मैं खा भी नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी टेस्ट करके देखते हैं आखिर कैसा है। तो चलिए हम और आप देखते हैं। पपीता बोले तो पपाया, वो भी अच्छा है। वैसे तो मैंने खाए बहुत जगह पर, अच्छे नहीं होते, बहुत ही अजीब सा टेस्ट लगता है, पर ये मीठा है, बहुत ही मीठा। और हम तरबूज खा के देखते हैं कि तरबूज कैसा। वैसे आपको बता दूं कि हम ना आज आज़ादपुर में, आज़ादपुर जो कि दिल्ली में बहुत ही फेमस जगह है। और आपको यह भी बता दूं कि आज़ादपुर फलों की मंडी से भी बहुत फेमस है। यहाँ पे लोग दूर दूर से फल लेने के लिए आते हैं, सब्जी लेने के लिए आते हैं। और शायद आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपने आज़ादपुर का नाम सुना ही होगा, अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो फिर भी आपने सुना होगा सब्जी मंडी का नाम, जो कि आज़ादपुर ही है। तो चलिए अब खाते हैं। वाटरमेलन भी अच्छा है और गर्मी में बहुत ही फ़ायदेमंद है वाटरमेलन खाना, ना आपको भी पता ही होगा वैसे। और अब हम चुकंदर खा के देखते हैं। खा चुकी हूँ, मेरा पेट भी बिल्कुल फुल हो चुका है। और वैसे तो ये बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोल देती हूँ कि आप देख सकते हैं कि मैं पतली हूँ, तो हो सकता है ये मेरा पहला ब्लॉग है और पहला ब्लॉग मैं सेहतमंद खाने से स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए ताकि शायद से मैं इस ब्लॉग से और खाने पीने को लेकर मोटी हो जाऊँ। आपको क्या लगता है, क्या मैं मोटी हो पाऊँगी? ये भी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं मुझे। आपको कैसा लग रहा है फ्रूट चाट? अच्छा लग रहा है क्या? आपकी तबीयत खराब है या आप शौक से खा रहे हो? नहीं, तबीयत खराब है आपकी। अच्छा कोई बात नहीं। आपको कैसा लग रहा है फ्रूट चाट? जैसे गुड। और आपकी तबीयत खराब है, आप शौक से खा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो रेगुलर खाता हूँ। रेगुलर खाते हो, हमेशा यहीं से खाते हो? या तो आप दर्शकों को कहना चाहोगे कि उन्हें खाना चाहिए फ्रूट चाट? या श्योरली, एट द हॉट मौसम है तो इसमें तो पेट की क्लीन करती है, इसलिए खाना चाहिए। तो आप सुन रहे हैं गर्मी का मौसम आ गया है, तो ये कह रहे हैं कि गर्मियों में लोगों को फ्रूट्स खाने चाहिए। तो चलिए आपने देखा फ्रूट चाट, वैसे तो मैंने भी खाया और आपने भी देख के पता तो लगा ही लिया होगा कि आखिर टेस्ट कैसा है।
आप भी आज़ादपुर में आके इसका जायका ले सकते हैं कि आखिर फ्रूट चाट कैसा है यहाँ का। वैसे तो दिल्ली में कई सारी जगह फेमस है फ्रूट चाट को लेके, लेकिन आज़ादपुर में एक अलग बात है। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे क्राउड है उसकी भी एक अलग बात है, दिल्ली का फेमस एरिया, और ये देख के ही पता चल जाएगा आपको। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या फ्रूट चाट यहाँ पे आके खाना चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको बता दूँ कि ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि फ्रूट चाट लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आखिर ये फ्रूट चाट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको आगे मैं ब्लॉग में और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें बताऊंगी, और आपको यह भी बताऊंगी कि आपको कहां पर क्या खाना चाहिए दिल्ली के अंदर, और या फिर दिल्ली में और भी क्या क्या फेमस है और कहां पे फेमस है, यह भी आपको ज़रूर बताऊंगी। तो टाटा बाय बाय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।